नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक बितन ऑल। और दोस्तों, आज का हमारे पास जो जॉब का एक डिमांड लेटर आया है वो आपका आया है आयरलैंड से दोस्तों, जहाँ पर आपको एज ए नॉर्मल बेसिक सा जैसे कि हेल्पर मान लीजिए, या फिर सुपरवाइजर मान लीजिए, या फिर प्लम्बर मान के चलिए, कुछ इस टाइप का एज ए नॉर्मल कैटेगरी का कुछ काम में आपको लाखों रुपया सैलरी मिलता है दोस्तों। आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है कि इतना ज़्यादा क्या हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है दोस्तों, आयरलैंड में ही हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ कंट्री है जिसमें आपको ऐसे उधर का गवर्नमेंट की लॉ के हिसाब से आपको काम, आप जो नॉर्मल काम आप किसी दूसरे कंट्री में कर रहे हैं वही काम अगर आप इस कुछ कंट्री में करोगे तो उधर आपको लाखों रुपये सैलरी मिल सकता है दोस्तों। तो आज हमारे पास आयरलैंड का कुछ जॉब आया है, तो इनमें देखिए आपका जो जॉब का जो प्रोफाइल है, या फिर आप जिस फील्ड में काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इनमें आपका प्रोफाइल मैच होता है कि नहीं होता है। तो आगे जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल टेक बितान ऑल को, और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस मत होना, राइट। दोस्तों, आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयरलैंड एज ए यूरोप के अंदर एक कंट्री है दोस्तों। आयरलैंड खुद भी एक कंट्री है। इधर काम करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कंट्री से जाना चाहते हैं, तो आपका कम ज़्यादा एज ए इंग्लिश आपको आना चाहिए, राइट। यहाँ पर आप उसका जो लोकल जो एज ए लैंग्वेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। और आयरलैंड में दोस्तों आपका जो सैलरी होता है, क्योंकि यूरोप कंट्री के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर आपका सैलरी भी आपका ऐसे होता है यूरो के अंदर, राइट। तो 1 यूरो का अगर हम देखते हैं इंडिया के हिसाब से, तो 79 रुपीज़ का, 79.59 रुपीज़ की बात एज ए रेट चल रहा है दोस्तों। मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ। आप कोई भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो इधर से आप अपना करेंसी सिलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, कि आपकी कंट्री में 1 यूरो का प्राइस कितना चल रहा है, राइट ओके। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा जॉब का वैकेंसी हमारे पास आया हुआ है दोस्तों आयरलैंड से। तो ऐसे आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड लेटर में दोस्तों कि सुपरवाइजर चाहिए दोस्तों, राइट। सुपरवाइजर में यहाँ पर कितना चाहिए बंदा, यहाँ पर 5 वैकेंसी है सुपरवाइजर के अंदर। यहाँ पर आपका सैलरी कितना मिलेगा, 1500 यूरोज दोस्तों, राइट। ये यूरोज की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों मशीन ऑपरेटर, राइट। मशीन ऑपरेटर में कितना बंदा चाहिए, यहाँ पर आपको 6 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। उसका सैलरी आपको मिलेगा 1200 यूरो। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोर कीपर, राइट। स्टोर कीपर में यहाँ पर बंदा चाहिए 10, यहाँ पर आदमी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 10 वैकेंसी ओपन है और इसमें आपको सैलरी मिलेगा 1200 यूरो। उसके बाद लाइट और हेवी ड्राइवर, राइट। जो लोग लाइट ड्राइवर लाइसेंस या फिर जिसके पास हेवी ड्राइवर लाइसेंस है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइट या हेवी ड्राइवर जो वैकेंसी यहाँ पर आया है दोस्तों, यहाँ पर 10 एज ए वैकेंसी अवेलेबल है। जो लाइट ड्राइवर है उनका सैलरी इससे थोड़ा कम हो सकता है, राइट। डिपेंड करेगा एज ए इंटरव्यू के टाइम, क्लाइंट इंटरव्यू के टाइम, राइट। उसके बाद है दोस्तों देखिए कारपेंटर, राइट। कारपेंटर का भी यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकल के आया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। उसके बाद ही दोस्तों आपका स्टील फिक्सर, राइट। उसके बाद है दोस्तों प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन, जनरल हेल्पर, राइट। उसके बाद है क्लीनिंग हेल्पर। तो आप यहाँ पर देखिए एज ए नॉर्मल अगर हम सैलरी पकड़ के चलता है तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर 900 यूरो आपको मिलता है दोस्तों, नॉर्मल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और मैं इसको करेंसी को कर लेता हूँ इंडियन रुपीज़, और मैं ज़रा से 900 भी पकड़ के चलता हूँ तो 71,000, राइट, यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। और अगर आप इनमें से कोई प्रोफाइल में अगर आपका एक्सपीरियंस है, या पर सुपरवाइजर, राइट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, स्टोर कीपर, या फिर मशीन ऑपरेटर, तो यहाँ पर सिंपली आप 1300 या फिर 1500 भी यहाँ पर आपका सैलरी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर 1300 भी पकड़ के चलते हैं दोस्तों, तो सिंपली आपका 1 लाख से भी यहाँ पर ज़्यादा आपका सैलरी हो रहा है दोस्तों, जो आपका नॉर्मल बेसिक सैलरी है। अगर आप ओवर टाइम अगर आपको मिलता है तो उसके लिए आपको अलग से पे करेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। तो
तो यहाँ पर थोड़े जनरल टर्म्स एंड कंडीशन का अगर हम यहाँ पर थोड़ा नज़र कर दें नज़र देते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको एकोमोडेशन मिलेगा 2 BHK अपार्टमेंट पे दो आदमी रहेगा एक ही रूम में, या ऐसा करके कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। फूड आपको मिलेगा, आपको खुद पका के आपको ऐसे खाना है दोस्तों। किचन का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, एक्सटेंशन होगा उसके बाद 1 साल के बाद, ठीक है ना। उसके बाद आपका वर्किंग आवर रहेगा एज ए नॉर्मल 8 आवर, 1 वीक में आपका 5 डेज आपका काम रहेगा। मेडिकल इंश्योरेंस लीव यहाँ पर आपको मिलेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद टिकट मिलेगा जब आपका एज ए कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल कंप्लीट होगा उसके बाद। तो ऐसे आप इस हिसाब से देख के चलिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। और उसके बाद आपका होगा क्लाइंट इंटरव्यू, उसके बाद जब आप एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करेंगे उस टाइम पे आपका जो एग्रीमेंट पेपर होगा उसमें और भी डिटेल में आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन दिख जाएगा। आपका सैलरी कितना होगा, आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कंपनी का बन रहा है, ए टू जेड आप उधर भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और यहाँ पर कोई ना कोई लोगों को इसमें किसी ना किसी काम में मैं इतना कह सकता हूँ कि नॉलेज है, कम ज़्यादा नॉलेज है, राइट। जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो एज ए सिंपली क्लीनर या फिर जनरल हेल्पर में अप्लाई कर सकता है, मेसन में अप्लाई कर सकता है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका एज ए प्लस पॉइंट होता है कि उनको थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, जो फ्रेशर है उनसे उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो यही था जो आयरलैंड के लिए जो जॉब का जो वैकेंसी आया था। तो आप देखिए कि आप इनमें कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप सबसे पहले वो जो जॉब है उसको सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए, जो काम आपको नहीं आता है सैलरी देख के उसी में हमको जाना है, आप ऐसे करके मत कीजिए, है ना। या फ्यूचर में आप ही के लिए परेशानी हो सकता है, उधर जाने के बाद अगर आपको काम नहीं आता तो फिर से आपको रिटर्न आना पड़ता है। सो अब हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, राइट। तो आप स्क्रीन पे एक मेल आईडी देख सकते हैं, इसी मेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए। अगर आपके पास कोई, अगर आपने इससे पहले किसी कंपनी पे अगर आपने काम किया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो सिंपली आप उसको भी इस मेल के अंदर अटैच कर दीजिए। और आप जिस प्रोफाइल में काम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोफाइल का जो नेम है, राइट, यानी कि आप हेल्पर के लिए जाते हैं, हेल्पर या फिर सुपरवाइजर या फिर इलेक्ट्रिशियन, वो नेम आप मेल के सब्जेक्ट में डाल दीजिए और इस मेल आईडी पर भेज दीजिए। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आगे आपका प्रोसेस जाएगा, जैसे कि क्लाइंट इंटरव्यू होगा, आपके साथ एग्रीमेंट होगा, मेडिकल होगा, ऐसे करके कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस है। जब आपका सी बी सिलेक्शन होगा उसके बाद आपके मेल पर रिप्लाई आ जाएगा तो और भी डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो यही है। तो अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप में किसी ना किसी लोगों को तो 100% मिल ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए। और आप लोगों से मैं एक ऐसे सजेशन लेना चाहता हूँ, क्या आप लोग इस चैनल के ऊपर एज ए इंडियन गवर्नमेंट के रिलेटेड जितना भी वैकेंसी निकल के आता है, और आपका डिफेंस हो, रेलवे हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, कि आप उसी रिलेटेड न्यूज़ भी आप इस चैनल के ऊपर देखना चाहेंगे? तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को यस लिख के जरूर बताना दोस्तों। और इस वीडियो में आज के लिए यही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना, और आपको दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब उनको भी करा लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।